अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज ये बताने वाला हूँ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। देखो, एक टेस्ट दिया हुआ एलाइजा की, इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कितनी है। उनने कंट्रोल्स लिए हुए हैं जिनमें बीमारी नहीं होती, वो आपको इस तरह देते हैं 90, और पेशेंट्स 90 लिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने टेस्ट कर दिया तो जो कंट्रोल्स थे जिनमें मतलब बीमारी नहीं थी, उनमें 18 में पॉजिटिव आ गया, और पेशेंट्स में कितने में पॉजिटिव आ गया, 72 में पॉजिटिव आ गया। बस आपको यहाँ तक उन्होंने दिया होता है। अब यहाँ पे आप मतलब दो वो बनाओगे टिकट, 2x2 का एक इस तरह टेबल, डिजीज्ड मतलब जो पेशेंट्स थे और वो कंट्रोल जो थे अनडिजीज्ड, वो इधर आएंगे, डिजीज्ड वाले इधर आएंगे। इधर हम देखेंगे टेस्ट पॉजिटिव और टेस्ट नेगेटिव। बस यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो आपको सारी समझ आ गई है फिर, ठीक है। अब देखो, डिजीज्ड कौन से थे, पेशेंट्स थे ना डिजीज्ड, उसमें पॉजिटिव कितने आए थे, 72, 72 थे, ठीक है। तो वो तो डिजीज भी थे और पॉजिटिव भी थे, मतलब आ गए, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गए। आप खुद निकाल सकते हो ये ट्रू पॉजिटिव हैं। अच्छा, फिर इसी डिजीज में नेगेटिव कितने आए थे, वो आप 90 से मतलब 72 को हटा दो तो निकाल दो तो 18 आ जाएंगे ना, तो 18 को उसने पिक नहीं किया, तो ये फॉल्स नेगेटिव आ गए ना, नेगेटिव नीचे टेस्ट, ये नेगेटिव वाली लाइन है, तो 18 को उसने पिक नहीं किया। अच्छा, अब जो दूसरे थे अनडिजीज वाले, वो भी 90 थे, उसने कहा था कि 22 उसमें पॉजिटिव आ गए हैं, ये टेस्ट पॉजिटिव, तो 22 हमने यहाँ लिख दिया 22। अब हमें पता है कि ये तो डिजीज नहीं है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है ना, इनमें तो है ही नहीं डिजीज, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है। और कितने रह गए, 90 में से 22 पॉजिटिव थे, 68 रह गए ना, उसमें नहीं आया था टेस्ट, नेगेटिव था, तो ठीक है वो बीमार नहीं थे, तो उनका ट्रू नेगेटिव 68 आ गया, ये ट्रू नेगेटिव थे। यहाँ तक आपको समझ आ गई ये टेबल बनाने में कि किस तरह निकालते हैं ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव। उसके बाद है सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी। एक ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये दो रोज हैं, ये मैंने निशान जो बीच इसमें लगवाए हुए हैं। पहला कॉलम जो है ना ये वाला, ये सेंसिटिविटी के लिए यूज होता है, आप बाकी सब भूल जाओ, बस सिर्फ सेंसिटिविटी के लिए ये वाले ये दो वैल्यू आपने ये देखनी है। स्पेसिफिसिटी के लिए ये कॉलम आपने यूज करना है, सिर्फ ये दो। तो सेंसिटिविटी के लिए हम ये दो यूज करेंगे, ये कॉलम है जो दो वैल्यूज हैं। याद रखो, हर जो भी आप चीज कैलकुलेट करना चाहो, इसमें से जो चार चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्ट वैल्यू, उसमें हम ट्रू वाला ऊपर ठीक लिखेंगे। अब सेंसिटिविटी को मैं करता हूँ कैलकुलेट, तो मैं सेंसिटिविटी को इन्हीं दो में से कर दूंगा, तो ट्रू पॉजिटिव ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, ये नीचे जिस तरह दिया हुआ है ट्रू पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय और ये दोनों मतलब ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, बस इन्हीं के साथ हमारा काम है, इनटू 100। सेंसिटिविटी का मुझे कहेगा तो मैं ट्रू, इसमें कौन सा है ट्रू नेगेटिव, जहां का ट्रू लिखा हुआ ट्रू नेगेटिव को मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इनटू 100, सिर्फ इसका इसके साथ मेरा ताल्लुक है, इस कारण के साथ, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं अब रो इस्तेमाल ये रोज इस्तेमाल करूंगा, इसमें भी दो वैल्यू आती है, देखो ये वाली, इसमें भी मैं ये वही करूंगा, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू के लिए भी ट्रू जहां पे लिखा हो, तो ये ट्रू है तो मैं ट्रू पॉजिटिव को ऊपर लिखूंगा, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू के लिए मैं अगर करना चाहूँ तो ट्रू कौन सा है, इन दोनों में से ट्रू ये है, तो मैं ट्रू नेगेटिव लिखूंगा, डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इनटू 100। ये सारा किस्सा था, इस पे आप जितने कर सकते हो मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के आप इसको निकाल सकते हो, इसकी कैलकुलेशन है, ये नीचे मैंने दिया हुआ है, लेकिन कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद अपने दिमाग से वो करो, ये टी 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 पी पी, खुद
पता, मतलब आपको लग पता